जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का दी लर्नर्स एकेडमी में। एंड आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 8 है उसका 8.4 करने जा रहे हैं। हम इससे पहले 6 वीडियो बना चुके हैं, इसके 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसके 6 पार्ट हम ऑलरेडी कई वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है पार्ट नंबर 7 को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दे रखा है उसे हम ध्यान समझेंगे। एग्जाम में कई बार इसका इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को क्वेश्चन पेपर में मिला भी होगा। ठीक है, पिछला अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले हम ऑरली समझेंगे, देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन को आपको प्रूफ करने की टेन थीटा प्रूफ करके आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा दे रखा है अपॉन में 2 साइन कॉस की क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों ही में साइन कॉमन है और दोनों ही में जो डिनोमिनेटर में उसमें आपको कॉस कॉमन दे रखा है। तो अगर हम साइन भी कॉमन ले लें और कॉस भी कॉमन ले लें तो साइन अपॉन कॉस निकल के आएगा, हमारा जो वैल्यू आएगा। और साइन अपॉन कॉस अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन थीटा होता है और वही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से आप समझे। ठीक है, तो साइन दोनों में से ही कॉमन लेंगे, जो हमने बातें की है वही आपको करना है और एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। पहले हम क्वेश्चन बता रहे थे साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 2 सॉरी कॉस थीटा दे रखा है आपको। ठीक है, तो आगे जो आप कर सकते हैं इसमें वो आप कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी साइन है और उसके पास भी साइन है, तो साइन लेंगे बाहर, साइन थीटा अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा अगर आप साइन थीटा ले लेते हैं इससे तो अंदर बचेगा 1 माइनस का, इससे एक साइन ले लिया तो आपको पता है 3 साइन में से आप एक साइन बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन। ठीक है, समझ आया, दोबारा मल्टीप्लाई आप अगर करेंगे तो सेम वही बनेगा, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब ही बनेगा। ठीक है, नीचे देखो यहाँ से कॉस ले लोगे बाहर, कॉस थीटा आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, इससे आपने अगर 3 साइन सॉरी 3 जो इसके पास 3 कॉस था उसके पास से एक ले लिया तो क्या बचा, यानी क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं 3। ठीक है, 2 कॉस की स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतनी बात समझ आई। ठीक है, दोनों में से हमने वैल्यू पुट अप किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे और वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके का होगा कि अगर हम 1 है जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हम एक आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं और वो आइडेंटिटी जो होगी वो होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि हम 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे उसको, इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा हम उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसे पुट करने में हमारा आंसर नहीं आएगा। तो देखो जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, इतनी बात समझ है, पुट करो। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, ब्रैकेट में जो दे रखा है 1 की जगह पे हमें पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हमने पुट किया, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, और माइनस का साइन है, उसके बाद क्या बचा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा होगा। ठीक है, आगे जो भी वैल्यू थी यहाँ पे वो हमने एज इट इज पुट किया, 1 की जगह पे हमने पुट किया ये। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करेंगे और आप जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं उसे आप आगे लिख के भी दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगाया हमने,
उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों ही प्लस के हैं, और जब भी साइन जो बाहर जो साइन होता है अगर वो नेगेटिव होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं उसे इफेक्ट करता है वो, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे जो दे रखी है उसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखो, पहले तो हम एज इट इज इसको ओपन करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को जो हम जिसके बारे में बात करते हैं कैसे इफेक्टिव करेगा। तो साइन थीटा ब्रैकेट में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये दे रखा है आपको, और नीचे जो है आपको दे रखा था कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन हो जाएगा साइन माइनस स्क्वायर थीटा, और कॉस भी अब माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको बेहतर ही पता होगा कि जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाले नंबर साइंस को चेंज कर देता है, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब क्या करेंगे हम, अब जो वैल्यू हमें दे रखी है जो भी हमें ये नंबर दे रखे हैं, देखो क्या किसी में से कुछ घट रहा है क्या। यहाँ पे देखो टू साइन साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे दो साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो एक साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा ब्रैकेट में जो भी चल रहा है उसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, फिर यहाँ भी वही होगा कॉस थीटा यहाँ लिख दीजिए आप, देन यहाँ पे जो है टू कॉस स्क्वायर थीटा जो दे रखा है उसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का इसमें से ही गया तो माइनस का क्या बचेगा, ये वाला बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ है, नहीं समझ आया तो एक बार और देखो कि क्या किया हमने यहाँ पे कि इसमें से सपोज करो, सोचो थोड़ा सा, मान लो कि ये जो नंबर है ये आपका चार है, ठीक है, और ये जो है आपका दो है, ठीक। अगर आप चार में से दो माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, उसी तरह यहाँ पे जो दे रखा था वो साइन टू साइन था, टू साइन का मतलब ये समझो कि दो बार साइन था और दोनों ही नेगेटिव था, तो दो साइन में से एक साइन जाएगा तो एक साइन तो बचेगा, और दो साइन जो दे रखा है वो अगर नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव आएगा जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेम वही काम हमने नीचे किया, कॉस को कॉस उतारा, यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है माइनस ये दे रखा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, तो वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कॉस जो है हमारा प्लस का आया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसे का ऐसे। अब आप अगर देखेंगे यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में भी वही वैल्यू है, अगर हम इससे इसको कट कर देते हैं काट देते हैं तो जो बचता है वो हमारा बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको आइडेंटिटी का पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा नहीं, हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है हमारा टेन थीटा होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ कि जो हमसे मांगा था वो हमने प्रूफ कर दिया कि टेन थीटा किस तरीके से आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया या कुछ और भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई आइडेंटिटी यूज याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई कि मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर सकूँ आपकी प्रॉब्लम को, एंड देन दोबारा से इसको अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।